क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लग जाती है, जिस वजह से आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, कहीं भी घूमने नहीं जाते हैं, सांस बहुत तेज चढ़ने लग जाती है, आपके फेफड़ों में कोई समस्या है या फेफड़ों में इन्फेक्शन रहती है, रात को जैसे ही सोने जाते हैं अकारण ही खांसी शुरू होने लगती हैं, यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग में भी। कितना भी आप इसका उपचार कर लें, यह समस्या नहीं खत्म होती है। अगर आपको सूजन की शिकायत रहती है, हाथ पैर में सूजन हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाता है, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन रहता है, या अकड़न की समस्या रहती है, मौसम बदलने के साथ ही अगर आप बीमार हो जाते हैं, सिर्फ एक पत्ती का इस्तेमाल आपको करना शुरू कर देना है। सिर्फ यह एक पत्ती यकीन माने आपकी यह सारी ही समस्याएं को दूर कर देगा। इस पत्ती का प्रयोग सही तरीके से करना आज हम सीखेंगे। इस पत्ती को हम अजवाइन की पत्ती बोलते हैं। अजवाइन जो हम खाते हैं वो वाले अजवाइन बिल्कुल भी नहीं, अजवाइन जो हम खाते हैं उस अजवाइन के पौधे से यह पत्ती नहीं आती है। इस पौधे का नाम ही अजवाइन का पौधा होता है और यह देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अजवाइन के पत्ती का प्रयोग कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पकोड़ा बनाना, इसके पराठों में डालकर इसके पराठे बनाना और भी न जाने कई सारे इसके व्यंजन बनते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल ही अजवाइन के बीज जैसा ही लगता है, इसीलिए तो इसका प्रयोग खाने में किया जाता है। अजवाइन की जो पत्ती होती है उसमें अनेकों ही गुण होते हैं, यह हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, यानी सूजन को दूर कर देते हैं। अगर आपको इन्फ्लामेशन वाली कोई भी समस्या हो, आपके सूजन रहती हो शरीर में, तो यह उसको दूर कर देता है। अजवाइन के पत्ती का प्रयोग शरीर में दर्द को दूर करने के लिए भी किया जाता है। छोटे बच्चों में अगर एलर्जी हो जाती है, बार बार बच्चे खांसते रहते हैं, सुरसुरी वाली खांसी हो जाती है, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज वाले लोग भी इसका प्रयोग करना शुरू करें तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। कब्ज की शिकायत हो या हमेशा आपके पेट में दर्द रहता हो तो भी आप अजवाइन के पत्ती का इस्तेमाल जरूर से करें। महिलाओं में अगर लिकोरिया की समस्या हो जाती है, यानी वाइट डिस्चार्ज होते रहते हैं, तो भी अजवाइन की पत्ती का प्रयोग आपको करनी चाहिए। अजवाइन की पत्ती गद्देदार होती है और थोड़ी मोटी होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बहुत ही सुंदर आकार होती है। इसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है आइए समझते हैं। यह फेफड़ों के भी गंदगी को साफ कर देता है, डिटॉक्स का काम करता है, जिससे ये हमारे शरीर में शरीर की गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के साथ साथ नसों के ब्लॉकेज को भी यह दूर करता है। अजवाइन की पत्ती का आप इसी प्रकार से धोकर साफ करके एक पत्ती आपको रोजाना ही ले लेनी है। इसके पत्ती को दांत के नीचे रखकर चबा चबा कर खाना शुरू करें, बिल्कुल ही धीरे धीरे आपको इसे खानी है। इसके स्वाद बहुत ही अच्छी होती है। खाने के बाद आपको एक ग्लास गुनगुना पानी पीना है। अगर आपको इस प्रकार से चबाकर खाने में समस्या हो रही है तो अजवाइन की पत्ती को कूच कर इसकी चटनी बना लें और उसमें एक लहसुन मिला लें, जिससे आपकी नसों की ब्लॉकेज दूर होने लग जाएंगी। अगर आपके खून में थक्के बन रहे हैं, जिस वजह से अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में समस्या हो रही है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घुटने में दर्द और सूजन दोनों ही रहते हैं, तो इसके साथ एक कली लहसुन के मिलाकर अवश्य ही खाएं। या तो इसकी चटनी बनाकर आप ले सकते हैं या इसे चबाकर आपको खा लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप इसे लगातार 15 दिन के लिए
सुबह सुबह और शाम के वक्त दो वक्त लेना शुरू करें। अगर आपको परेशानी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ही सांस फूलती हैं, या रात के वक्त ही अगर आपको खांसी आती है या फिर छींक आती है, तो आपको इसे सिर्फ एक वक्त ही रात में लेना है। छोटे बच्चे को आप सिर्फ यह पत्ती खाने को दें, जिससे बच्चों की एलर्जी की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस पौधे को हर घर में लगाएं। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है, बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ये तरीके अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप एक अजवाइन के पत्ती को कूट कर इसकी चटनी बनाकर एक गिलास पानी में उबाल लें और इसे पीना शुरू करें। अगर ये तरीका भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसकी पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं। पकौड़ी में तलकर नहीं खाना है, इसे तवे पर सेक कर खा लें। कैसी लगी आज की जानकारी? इस तरह के ही हेल्दी अपडेट्स ऑल हेल्दी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।